नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बुंदेलखंडी मोनिया नृत्य परंपरा बुंदेलखंड में आज भी कायम है। हर साल की तरह इस साल भी गोवर्धन पूजा पर मोनिया कलाकारों की टोली गोवर्धन पर्व पर शहर में दिन भर दिखाई देती है। यह लोग भजन गाते हुए नगर में भ्रमण करते हैं तो लोग इनका सम्मान भी करते हैं। यह भी एक बुंदेलखंड की परंपरा है, जहां गोवर्धन के पर्व पर श्री कृष्ण के बुंदेलखंडी भजनों पर उनका बखान करते हुए मोनिया नृत्य किया जाता है। मोनी पार्टी है, बुंदेलखंड की फेमस चीज है ये। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी आप लोग? हम ललितपुर से आए हैं और रतनगढ़ जा रहे हैं। अच्छा, अभी किस जगह रुके आप लोग? अभी तो यहाँ रक्षा में रुके हैं। रतनगढ़ जा रहे हो? अच्छा, किस लिए की जाती है मोनी पार्टी? अरे बुंदेलखंड का फेमस है, बुंदेलखंडी लोक नृत्य है। बुंदेलखंडी लोग नहीं, किसी चीज के लिए वो मनोकामना पूरी होती की जाती है? हाँ, मनोकामना के लिए वो मौन व्रत रखा जाता है। अच्छा, ये लोग कोई बोलता नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं बोलता है। हम सुबह रखते हैं और रात में 9 बजे के बाद खुलेंगे। अच्छा, अभी रतनगढ़ जा रहे हो आप लोग, अभी झांसी की रक्षा में रुके थे। हरदोई के हरपालपुर के अर्जुनपुर गांव में आजादी से लेकर अभी तक राम गंगा पर पुल को बनवाने को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार आश्वासन भी दिया गया, लेकिन जनता को पुल की सौगात नहीं मिल पाई। एक बार फिर से इस पुल को बनाए जाने की मांग उठाई गई है तो दीपावली के मौके पर शासन प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए राम गंगा के किनारे समाज सेवी रामवर्धन सिंह राजू ने हवन पूजन किया। बता दें कि बीते 4 दशकों से इस पुल को बनाए जाने की मांग उठ रही है तो यह नदी पार करते समय कई बार लोग हादसों का शिकार भी हुए हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उस त्योहार को छोड़ के क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग जिस मुद्दे को लेके आज यहाँ पर बैठे हैं, आज़ादी के 74 वर्षों बाद ये एक पुल अगर इस क्षेत्र में नहीं बन पाया है, आज जिनकी सरकार है उन्होंने कहा था चुनाव के समय, वोट लेने के समय कहा था, वादा किया था, उनके घोषणा पत्र में था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं समाज के प्रथम व्यक्ति, ये जो पुल है 2 जिलों की सीमा पर ये पुल बनना है और ये आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी अगर नहीं बन पाया है तो हरदोई और फर्रुखाबाद के सांसद और विधायकों को सल्फास खा के आत्महत्या कर लेनी चाहिए, उनको क्षेत्र में वोट का अधिकार नहीं है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। न उनको क्षेत्र में वोट मांगने का अधिकार है, न क्षेत्र में मुंह दिखाने का अधिकार है और यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान अब कमर कस चुके हैं और जब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो जाता है ये आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा। चाहे हरदोई से लगा के लखनऊ विधानसभा तक भी घेरने का काम यहाँ के किसानों के द्वारा किया जाएगा और संगठन जब तक इस पुल का निर्माण नहीं करवा देगा, संगठन चैन से नहीं बैठेगा। देखिए, पिछले कई वर्षों से हमारे कटियारी क्षेत्र के जो संस्थाएं चल रही सामाजिक हैं इस अर्जुनपुर पुल निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। पहले अवनीकांत दादाजी ने हमारे पंचनंद कटियारी संस्थान बनाया, उससे माध्यम से करी। प्रमोद तिवारी दादा हमारे अमर ज्योति एसोसिएशन माध्यम से, हम लोग आत्म संतुष्टि मिशन माध्यम लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने तहसील सवाजपुर में एक धरना प्रदर्शन किया था इस पुल के लिए। डिप्टी सीएम महोदय यहाँ पे आए थे, महाधिवक्ता महोदय जी, क्या उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका पुल स्वीकृत हो चुका है और इस वर्ष इसका कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन खोखले वादे, झूठे वादे करके कटियारी की जनता को लगातार लूटा जा रहा है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि ये लोग जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं और गलत बयानबाजी करके हमेशा सूचित करते हैं। इसी जगह पर जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, काल के गाल में 100 लोग एक साथ समा गए थे, उनकी सबकी आत्मा की शांति के लिए, इन जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए आज हवन का आयोजन किया गया है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता की सबसे बड़ी समस्या अर्जुनपुर पुल का निर्माण का है, लेकिन इस सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण संभव होना अब होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका आखिरी बजट
2021 मार्च में आएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त होने की ओर जा रही धीरे धीरे। इन लोगों ने जो झूठे वादे किए हैं उसी को लेकर आज ये जन आंदोलन किया जा रहा है। आज चूंकि दीपावली का दिन है, पवित्र त्यौहार है, हम लोग श्री राम के चरणों में आज प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं कि नेताओं को सद्बुद्धि दो और हमारे यहाँ जो लोग काल के गाल में समा गए उनकी आत्मा की शांति के लिए इस पुल का निर्माण होना अति आवश्यक, उसी के लिए आज पूजा अर्चना की गई। योगी सरकार पुलिसिंग को लेकर काफी संजीदा है, इसकी बानगी रायबरेली में देखने को मिली, जहां पुलिस की कमान संभाल रहे एसपी श्लोक कुमार की सकारात्मक पहल के चलते व्यापारियों को सुरक्षा का आभास कराया गया, जो त्यौहार के मौके पर कारगर साबित हुआ। बता दें कि त्योहारों के मौके पर व्यापारी किसी वारदात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, जिसके चलते कई बार घटनाएं भी घटित हुई है, तो इस बार व्यापारियों को सकुशल उनके घरों तक वापस पहुँचाने का जिम्मा पुलिस ने उठाया, तो व्यापारियों को सुरक्षा का आभास भी कराया। इससे जहाँ अपराध पर अंकुश तो व्यापारियों का पुलिस पर भरोसा भी जगा। इस मामले में एसपी ने बताया कि व्यापारियों के अंदर बैठे डर को निकालना इस पहल का मकसद था। व्यापारी किसी भी समय फोन करके पुलिस की मदद ले सकते हैं। यहाँ के हमारे सम्मानित व्यापारियों को अवगत कराया गया है स्थानीय पुलिस द्वारा कि यदि किसी भी व्यापारी को अपने घर जाने में या वहाँ से अपने व्यवसाय केंद्र पर आने में किसी भी पुलिस सहायता की जरूरत हो तो उन्हें एस्कॉर्ट के रूप में पुलिस उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो सुरक्षित रहें। इस संबंध में सभी व्यापारियों से अपील भी जारी की गई है और जो भी हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आएंगे उनको हम एग्जामिन करके उन पर कार्रवाई करवाएंगे। व्यापारी किस माध्यम से पुलिस को संपर्क करें? देखिए, समस्त थानों को ये निर्देशित किया गया है और हमारी टीमें, मोबाइल टीमें भी लगी हुई हैं, किसी भी कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जाके कोई भी व्यापारी ये सूचना जानकारी दे सकते हैं। पुलिस की इस पहल के चलते जहां व्यापारी वर्ग खासा खुश दिखा तो वहीं इस कदम का उन्होंने स्वागत भी किया। राय लखनऊ जनपद में दो सर्राफा व्यापारियों के साथ घटना हो गई लूट की, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक पहल नई की है, कहते हैं कि इस धनतेरस और दीपावली के अवसर पर जिन व्यापारियों के पास धन का कलेक्शन ज़्यादा हो, जेवर लेकर जाना हो, वो पुलिस प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमने पूरे रायबरेली जनपद के समस्त व्यापारियों को इसकी सूचना दे दी है, किसी को भी किसी तरह की पुलिस सुरक्षा चाहिए के आते हैं तो रायबरेली के सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल पुलिस व्यवस्था देने की, उनकी सुरक्षा में पुलिस वालों को देकर उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। व्यापार मंडल उनका आभार व्यक्त करता है कि ये बहुत बढ़िया पहल पुलिस की है। दिवालियों में जहाँ व्यापारियों में डर का माहौल रहता है तो वहीं रायबरेली पुलिस की नेक पहल देखने को नजर आई है। इस नेक पहल में सभी व्यापारियों को घर तक पहुँचाने का एक नेक काम जो रायबरेली पुलिस कर रही है, इसकी सभी व्यापारी जो कि सराहना कर रहे हैं। धीरज शुक्ला, लाइव 24 रायबरेली। झांसी नगर कोतवाली के घास मंडी में बड़ौदा बैंक के ऊपर कपड़े के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने का प्रयास किया तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दमकल ने इस आग पर काबू पाया, तो इस दौरान लाखों का माल जलकर भी खाक हो गया। ये बड़ा बाजार घास मंडी के पास बैंक की बिल्डिंग है, उसके ऊपर ऊन का गोदाम था, उसमें आग लगने की सूचना थी। मौके पर 4 फायर टेंडर बुलाए गए हैं और भी फायर टेंडर आ रहे हैं। आग अभी कंट्रोल में हो रही है, आशा है आधे घंटे में आग बुझ जाएगी। अभी तक क्या नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। कुछ माल ऊन का गोदाम था तो कुछ ऊन का माल का नुकसान की सूचना है। अभी गोदाम वगैरह थे, दुकानें थी, क्या था सर? दुकानों में आग नहीं लगी है, ऊन स्टोर किया गया था उसमें आग लगी है। ऊन का दुकान का माल था, जो ऊनी सामान था उसका। आग बुझाने में कितनी गाड़ियाँ लगी हैं अभी? अभी समय 5 गाड़ियाँ हैं, बाकी 3-4 गाड़ियाँ रास्ते में हैं और 2 गाड़ियाँ भर के जा चुकी हैं। झांसी के नवाबाद में इलाइट चौराहे के पास रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद में युवक को जख्मी कर दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे एक आरोपी को धर दबोचा तो वहीं जख्मी हुए युवक रिंकू को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से लाइटर गन को बरामद किया तो वहीं घायल के अनुसार जब वो काम करके घर लौट रहा था तभी 3-4 लोगों ने घेर कर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। यहाँ अभी थाना नवाबाद में सूचना मिली थी जहाँ दो पक्ष आपस में झगड़ा कर लिए थे, उस पर थाना हाजा पे जो तहरीर आई है उस पर मुकदमा दर्ज करके जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी दोषी होंगे वो जेल भेजे जाएंगे।
झांसी के सीपरी बाजार के सेवरा मिल मोहल्ले में सास और देवर ने मिलकर बहू की पिटाई कर दी और धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला भी किया, जिसमें बहू गंभीर रूप से घायल हो गई तो उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तो पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। कल सूचना मिली थी, तत्काल जो है सीपरी बाजार इंस्पेक्टर और थाना की पुलिस पहुंची वहां पर और मौके पर जो भी उन्होंने पाया वो तत्काल उस पर अप्लीकेशन लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 307 में मुकदमा दर्ज है, जो भी दोषी हैं इसमें जेल जाएंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।